हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। चलिए दोस्तों, आज आपको हम बताते हैं कि हमने यात्रा के दौरान क्या क्या देखा और उसे आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए तो हमारी इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा और मैं बता देता हूँ कि बाबा बर्फानी की यात्रा में जो बालटाल से अमरनाथ के लिए निकलती है उसमें बहुत ही चढ़ाई है। यहाँ चढ़ने के लिए बहुत कठिन रास्ता है और मैं बता दूँ कि आपको कि पहले जो रास्ता था वो बहुत ही कठिन था, लेकिन आज अब के इस रास्ते में बहुत सारी सुविधाएं और रास्ते को चौड़ा कर दिया गया है और रास्ते को आपके सुगम तो बना दिया गया है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बुजुर्ग और महिलाओं के लिए ये चंडे में आसान हो। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि जब भी आप बाबा यात्रा के लिए आते हैं तो कृपा आप हेली या फिर पहलगाँव वाला रास्ता ही चुनें, क्योंकि इन घोड़ों पर बैठ के जाने से आपकी यात्रा इतनी अच्छी सुगम नहीं होगी कि जितना कि आप अपने बलबूते चल पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी जान होती है और इन पर इतना बोझा लाद के लोग ले जाते हैं। आज हमने यात्रा के दौरान बहुत अच्छा नज़ारा देखा। चारों तरफ ठंड थी और इतने बादल छाए हुए थे, ज़्यादा मौसम ख़राब भी नहीं था। पहाड़ों पर थोड़ी थोड़ी यहाँ बर्फ़ भी जमी हुई है और बादलों से पूरा पहाड़ घिरा हुआ है। यहाँ आपको हेली जाते हुए भी नज़र आ जाएंगे इन पहाड़ों में ऊपर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ साइड में नदी बहती है, नदी बर्फ़ के कारण अभी चारों तरफ से बर्फ़ पड़ी हुई है और नदी का पानी बर्फ़ के नीचे से होके जा रहा है और यहाँ पे आपकी सुविधा और देखिए कि ये लोग दुकान का पूरा सामान इन घोड़ों पर लाद के ऊपर लाए हैं, जो आपको पानी, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, बिस्किट आदि सामान उपलब्ध कराते हैं इन दुकानों में यहाँ पे। इस चढ़ाई को हम चढ़ने के बाद हम पहुंचे हैं लास्ट टॉप पर, जहां से बाबा बर्फानी की बस कुछ ही दूरी रह गई है। यहां से ये लेके आए सामान और इस चढ़ाई में ये लास्ट ही चढ़ाई है। यहां पर बस रास्ता खराब है, लेकिन फिर भी ये चढ़ जाते हैं, इतना भारी मजा लेते हैं। तो इनकी भी क्या चलती है, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं, कितनी कठिनाइयाँ चढ़ते हैं, तब जाके जाते हैं ये ऊपर। अब लगभग हम आ पहुँचे हैं जंगलों पर। यहाँ आपको
कई दुकानें मिलेंगी जहां पर आपको समय के लिए रेस्ट करेंगे और यहां से आगे की चढ़ाई के लिए प्रस्थान करेंगे। यहां देखिए इन घोड़ों से लाया गया सामान यहां पर खाली किया जा रहा है और कुछ द्वारा आगे ले जाए जाएंगे। ये देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो घोड़ों पर ना ले जाते, खुद भी ले जाते हैं, खुद अपनी पीठ पर इतना सामान लादते हैं। जहाँ पर हम बिना सामान के ही चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ ये कुछ लोग अपने पीठ पर सामान ले जाते हैं। देखिए मौसम कितना सुहाना है। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी की। दोस्तों हम आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के बाबा बर्फानी का, जो यहाँ बालटाल बेस कैंप से और बाबा अमरनाथ की गुफा तक का पूरा लाइव पूरा रास्ता आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है बालटाल बेस कैंप, जहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है बाबा अमरनाथ के लिए। यहाँ से ही आपको चेकआउट करके आपको आगे भेजा जाता है। जो ये रास्ता बंडरा है, इसे यहाँ से स्टार्ट होता है और आप धीरे धीरे करके यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं। ये चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे की तरफ बढ़ती ही जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रास्ते में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और झरने दिखाई देंगे। यहाँ पर बर्फ भी पड़ी हुई है और लोग पैदल यात्रा जा रहे हैं। को चौड़ा किया गया है और साइड में रेलिंग भी लगा दी गई है, जिससे किसी दुर्घटना होने की संभावना कम से कम हो जाए। और यहाँ चारों तरफ आपको खाइयाँ नजर आएंगी। जो नीचे नदी बह रही है, वो नदी बाबा अमरनाथ की गुफा से चल करके आती है और सिंध नदी बन जाती है, जिसे सिंध नदी कहते हैं। ये पाकिस्तान में चली जाती है यहाँ से निकलने के बाद। और अभी हमने लगभग आधी चढ़ाई चढ़ ली है और यहाँ आपको ऐसे बोर्ड हर जगह लगे मिल जाएंगे जो आपको एक चेतावनी देते हैं। और हमें वो लास्ट टॉप पर चढ़ना है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हम इतनी चढ़ाई चढ़ के लगभग 5 से 7 किलोमीटर चढ़ गए हैं ऊपर, और अभी हम और चढ़ाई आगे की यहाँ थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अभी आगे की रास्ता देखते हैं और चढ़ते हैं। चलो अभी आगे चलते हैं कि यहाँ देखिए कितनी बड़ी खाई है, नीचे कितनी बड़ी गहरी गहरी खाइयाँ हैं और हम लगभग आधे टॉप पर आ चढ़े हैं। यहाँ पर देखिए सामने जो पहाड़ दिख रहा है, ये बहुत देखने में ऐसा लगता है कि हम कितने ऊपर आ गए हैं। और ट्रैक यहाँ भी चौड़ा किया गया है, बहुत अच्छा बना दिया गया है। फिलहाल लोग अपने सर पर बोझा रख के और पैदल ही चढ़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। लेकिन हमें तो खाली हाथों पैदल चढ़ने में ही बड़ी परेशानी होती है। ये यहाँ रोज आते रहते हैं लोगों को, इनको हैबिट हो गई है। हमें एक बार
हमें रास्ते के दौरान एक ऐसा जानवर मिला कि हम तो इसे पहचान ही नहीं पा रहे थे, लेकिन कई लोगों से पूछने के बाद हमें पता चला कि ये रास्ते में यहीं रहते हैं और ये चूहे हैं। हमने देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े भी चूहे होते हैं क्या, लेकिन हमें बाद में पता चला कि श्री गणेश जी का वाहन हमें रास्ते में यहाँ पर देखने को मिला था और हमारे पास इतना खाने का इसके लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए हमने थोड़ी नमकीन और इसको खिलाने की कोशिश की और इसने बड़े प्यार से उन खाया। हमने तो ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा चूहा देखा था, हमें तो देखकर बहुत अजीब लग रहा था कि इतने बड़े भी चूहे होते हैं क्या। शायद वो हमें देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम उसकी भाषा और उसको हम इतना समझ नहीं पाते। देखिए, वो दो पैरों पर खड़े होके हमसे शायद कुछ कह रहा था, पता नहीं क्या कह रहा होगा वो, पता नहीं। और हमें देखने पर पता चला कि नीचे और भी हैं, इसकी पूरी फैमिली के साथ ये यहीं पर रहते हैं और इतनी बर्फ़ में भी यहीं पर रहते हैं। और शायद ये हमसे यही कह रहा था कि मेरा और भी परिवार नीचे है, कुछ और डालो खाने के लिए। फिर हम यहाँ से आगे निकल लिए और सीधा हमें दिखाई देने लगी बाबा अमरनाथ की गुफा। जो एक रास्ता दूसरा पहलगाम की तरफ से आ रहा था वो भी हमारे ही सामने से आ रहा था। हम इधर थे और वो लोग उधर से आ रहे थे, दोनों रास्ते यहाँ संगम पर आके मिलते हैं और यहाँ बीच में बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई थी जिसे काट के रास्ता बनाया गया है अभी अभी। और यहाँ से आगे हम धीरे धीरे बाबा की गुफा की तरफ ध्यान लगाते हुए सीधे पढ़ लिए। बोले बाबा, शायद बोले इतनी बर्फ़ में आकर के भी आ रहे थे वो कुछ दिनों के लिए, और माँ पार्वती को यहाँ आके उन्होंने अमर कथा का ज्ञान दिया था। देखिए उसी जगह पर आज देखिए इतनी गर्मी है और भारत के अन्य इलाकों में, जबकि यहाँ पर इतनी ठंड की वजह से बर्फ़ अभी भी पड़ी हुई है। और रोड बनाने का कार्य अभी भी यहाँ किया जा रहा है, बर्फ़ को काट के और निकाला जा रहा है। और ये एक रास्ता इधर से गया है जिससे हम जा रहे हैं। यहाँ देखिए कितनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, हमें तो देखकर ऐसे लगा पता नहीं हम कितने अंदर एक खाई में आ गए हैं। बर्फ़ ही बर्फ़ थी हमारे चारों तरफ, दोनों तरफ से बर्फ़ से घिरे हुए। अंदर से इस रास्ते से हम निकले तो बहुत ठंड का महसूस हो रही थी, इतनी ठंड लग रही थी जैसे किसी फ्रीजर के अंदर से निकलने हों। हमारे कितने ऊपर थी हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि इतनी सारी बर्फ़ कैसे जम गई यहाँ आके। Thank you.
और फाइनली हम लगभग गुफा के पास में बस पहुंचने ही वाले हैं। तो 100 से 300 मीटर और बची है। यहाँ लोगों ने देखे तो गाने लगा दिए और यहाँ पर कैंपें लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे और दोस्तों हम फाइनली बस गुफा पर पहुँच ही गए कि गुफा को देखकर मेरा तो जी नहीं करता कि यहाँ से मैं वापस जाऊँ। इतनी अच्छी गुफा है, इतनी अच्छी सुंदर है कि बहुत अच्छी। और यहाँ पे नादिया बाबा के लिए बनाया जा रहा है और यहाँ बाबा नादिया को दर्शाया जाएगा। मैं ऊपर से जब नीचे की तरफ देख रहा था तो कितना अच्छा नज़ारा था कि मेरा तो देख करके मन बहुत खुश हुआ कि देखो कितना अच्छा नज़ारा है। आपकी यात्रा प्रारंभ होती है बाबा अमरनाथ के लिए, यहाँ से ही आपको चेकआउट करके आपको आगे भेजा जाता है। जो ये रास्ता बंडरा है इसे यहाँ से स्टार्ट होता है और आप धीरे धीरे करके यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं। ये चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे की तरफ बढ़ती ही जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रास्ते में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और झरने दिखाई देंगे। यहाँ पर बर्फ भी पड़ी हुई है और लोग पैदल यात्रा जा रहे हैं। को चौड़ा किया गया है और साइड में रेलिंग भी लगा दी गई है, जिससे किसी दुर्घटना होने की संभावना कम से कम हो जाए। और यहाँ चारों तरफ आपको खाइयाँ नज़र आएंगी। जो नीचे नदी बह रही है वो नदी बाबा अमरनाथ की गुफा से चल करके आती है और सिंध नदी बन जाती है, जिसे सिंध नदी कहते हैं। ये पाकिस्तान में चली जाती है यहाँ से निकलने के बाद। और अभी हमने लगभग आधी चढ़ाई चढ़ ली है और यहाँ आपको ऐसे बोर्ड हर जगह लगे मिल जाएंगे जो आपको एक चेतावनी देते हैं। और हमें वो लास्ट टॉप पर चढ़ना है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा हम इतनी चढ़ाई चढ़ के लगभग 5 से 7 किलोमीटर चढ़ गए हैं ऊपर। और अभी हम और चढ़ाई आगे की यहाँ थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों तो अभी आगे की रास्ता देखते हैं और चढ़ते हैं। चलो अभी आगे चलते हैं कि यहाँ देखिए कितनी बड़ी खाई है, नीचे कितनी बड़ी गहरी गहरी खाइयाँ हैं और हम लगभग आधे टॉप पर आ चढ़े हैं। यहाँ पर देखिए सामने जो पहाड़ दिख रहा है ये बहुत देखने में ऐसा लगता है कि हम कितने ऊपर आ गए हैं। और ट्रैक यहाँ भी चौड़ा किया गया है, बहुत अच्छा बना दिया गया है। फिलहाल लोग अपने सर पर बोझा रख के और पैदल ही चढ़ जाते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। लेकिन हमें तो खाली हाथों पैदल चढ़ने में ही बड़ी परेशानी होती है। ये यहाँ रोज आते रहते रहते हैं लोगों को, इनको हैबिट हो गई है, वे एक बार दो बार आते हैं।
हमें रास्ते के दौरान एक ऐसा जानवर मिला कि हम तो इसे पहचान ही नहीं पा रहे थे, लेकिन कई लोगों से पूछने के बाद हमें पता चला कि ये रास्ते में यहीं रहते हैं और ये चूहे हैं। हमने देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े भी चूहे होते हैं क्या, लेकिन हमें बाद में पता चला कि श्री गणेश जी का वाहन हमें रास्ते में यहाँ पर देखने को मिला था और हमारे पास इतना खाने का इसके लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए हमने थोड़ी नमकीन और इसको खिलाने की कोशिश की और इसने बड़े प्यार से उन खाया। हमने तो ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा चूहा देखा था, हमें तो देखकर बहुत अजीब लग रहा था कि इतने बड़े भी चूहे होते हैं क्या। शायद वो हमें देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम उसकी भाषा और उसको हम इतना समझ नहीं पाते। देखिए, वो दो पैरों पर खड़े होके हमसे शायद कुछ कह रहा था, पता नहीं क्या कह रहा होगा वो, पता नहीं। और हमें देखने पर पता चला कि नीचे और भी हैं, इसकी पूरी फैमिली के साथ ये यहीं पर रहते हैं और इतनी बर्फ़ में भी यहीं पर रहते हैं। और शायद ये हमसे यही कह रहा था कि मेरा और भी परिवार नीचे है, कुछ और डालो खाने के लिए। फिर हम यहाँ से आगे निकल लिए और सीधा हमें दिखाई देने लगी बाबा अमरनाथ की गुफा, जो एक रास्ता दूसरा पहलगाम की तरफ से आ रहा था, वो भी हमारे ही सामने से आ रहा था। हम इधर थे और वो लोग उधर से आ रहे थे, दोनों रास्ते यहाँ संगम पर आके मिलते हैं और यहाँ बीच में बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई थी जिसे काट के रास्ता बनाया गया है अभी अभी। और यहाँ से आगे हम धीरे धीरे बाबा की गुफा की तरफ ध्यान लगाते हुए सीधे बढ़ लिए। भोले बाबा शायद भोले इतनी बर्फ में आकर के भी आ रहे थे वो कुछ दिनों के लिए, और माँ पार्वती को यहाँ आके उन्होंने अमर कथा का ज्ञान दिया था। देखिए उसी जगह पर आज देखिए इतनी गर्मी है और भारत के अन्य इलाकों में, जबकि यहाँ पर इतनी ठंड की वजह से बर्फ अभी भी पड़ी हुई है। और रोड बनाने का कार्य अभी भी यहाँ किया जा रहा है, बर्फ़ को काट के और निकाला जा रहा है। और ये एक रास्ता इधर से गया है जिससे हम जा रहे हैं। यहाँ देखिए कितनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, हमें तो देखकर ऐसे लगा पता नहीं हम कितने अंदर एक खाई में आ गए हैं। बर्फ़ ही बर्फ़ थी हमारे चारों तरफ, दोनों तरफ से बर्फ़ से घिरे हुए। अंदर से इस रास्ते से हम निकले तो बहुत ठंड का महसूस हो रही थी, इतनी ठंड लग रही थी जैसे किसी फ्रीजर के अंदर से निकलने हो। हमारे कितने ऊपर थी हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि इतनी सारी बर्फ़ कैसे जम गई यहाँ आके।
फाइनली हम लगभग गुफा के पास में बस पहुंचने वाले हैं। तो 100 से 300 मीटर और बची है। यहाँ लोगों ने देखे तो गाने लगा दिए और यहाँ पर कैंपे लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे और दोस्तों हम फाइनली बस गुफा पर पहुँच ही गए कि गुफा को देखकर मेरा तो जी नहीं करता कि यहाँ से मैं वापस जाऊँ। इतनी अच्छी गुफा है, इतनी अच्छी सुंदर है कि बहुत अच्छी। और यहाँ पे नादिया बाबा के लिए बनाया जा रहा है और यहाँ बाबा नादिया को दर्शाया जाएगा। मैं ऊपर से जब नीचे की तरफ देख रहा था तो कितना अच्छा नज़ारा था कि मेरा तो देख करके मन बहुत खुश हुआ कि देखो कितना अच्छा नज़ारा है। दोस्तों देखिए कहीं कहीं बारिश की वजह से थोड़ा पानी आपको मिल सकता है और थोड़ी बर्फ़ भी आपको देखने को मिलेगी। रास्ते में बर्फ़ बहुत साइडों को पड़ी हुई है लेकिन आपको रास्ते में कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि इसको हटा दिया गया है। बर्फ़ है जो साइडों में ही पड़ी है, बाकी आपको ट्रैक पर कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि इसको हटा के रास्ते को साफ किया गया है। अभी हमने फर्स्ट चढ़ाई लगभग पूरी कर ली है, एक पड़ाव हमारा पूरा हो गया है और यहाँ कुछ आपको इमरजेंसी कैंप और यहाँ पे चाय पानी के लिए दुकानें भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप चाय पानी और नाश्ता यहाँ एक पड़ाव के बाद कर सकते हो। मैं इसी प्रकार के और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, इसलिए आप हमारे को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी प्रकार की और वीडियो मैं आपके लिए सदा लाता रहूँगा। हर हर महादेव। जय भोले की, जय बाबा बर्फानी की।